तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है आनंदती मूवी रिएक्शन, और पिछले पार्ट में हमारी जो स्टोरी थी वो अधूरी रह गई है, तो चलिए इस पार्ट में पूरा कर देते हैं। राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, अपनी बड़ी बेटी भार्गवी की शादी उस दरिंदे से करवा दी थी। असल में ये पशुपति की माँ कामिनी देवी की एक चाल थी। भार्गवी और पशुपति की कुंडली में सभी गुण मिलते हैं, इस तरह उसने भार्गवी की शादी अपने बेटे से करवा दी। क्यों री? राजघराने के पुरुष का ये सब करना तो शान की बात माना जाता है, तू तो ऐसे कर रही है जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। उस बच्चे की जिंदगी उन माँ बेटे ने मिलकर पूरी तरह तबाह कर दी थी। फिर एक दिन उन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अरुंधति माँ बनारस से आई एक नृत्य शिक्षिका से विशेष नृत्य सीख रही थी। वो शिक्षिका देख नहीं सकती थी। बेटी अरुंधति, आज मैं तुम्हें नृत्य सिखाने जा रही हूँ। क्षत्रिय स्त्रियों को या तुम जैसी स्त्रियों को जिन्हें भविष्य में रानी बनना हो, ये नृत्य अवश्य सीखना चाहिए। धनुर्विद्या या शब्द भेदी विद्या की तरह इसे भी शब्द भेदी नृत्य कहते हैं। तुम ध्वनि उत्पन्न करो और मेरा नृत्य कैसे प्रतिध्वनि देता है ये देखो। ठीक है गुरु माँ। तुम दिल की धड़कन को भी अपना निशाना बना सकती हो। छोटी राजकुमारी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाओ। उस दिन जब वो आया तो शराब और वासना के नशे में बुरी तरह चूर था। उस दिन की उसकी हरकतें याद आती हैं तो हे भगवान, जा रहा हूँ उसे पकड़ने को, जचाऊंगा करूंगा। आओ अरुंधति। अब मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो है प्रणव भैरव नृत्य। शत्रु के सामने असहाय स्थिति में ये नृत्य करके तुम उससे खुद की रक्षा कर सकती हो। अरुंधति, कौन है? अरुंधति, कोई जवाब की नहीं दे रहा, कौन है? कौन है? तू यहाँ वीर नाट्य सिखाने को आई है? और मैं यहाँ आया हूँ तुझे प्यार से प्रेम नाट्य सिखाने को। अरुंधति, कंचन जी की तबीयत आज ठीक नहीं है, वो कहकर गई है कल आएंगी। क्या बात है यार, सीन अधूरा रह गया है लेकिन ये अगले सीन पूरा कर देंगे, और काफी अच्छा सीन था। और पता चला है कि जो भूत है जो इसके अंदर हमें बताया गया है, जो भी हॉरर चीज़ इसके अंदर बताई गई है, वो कौन है इसका तो कम से कम हमें पता चला है। वो सोनू सूद खुद है, और जो आवाज़ आती है मोमबत्ती वगैरह तो वो खुद ही है, और अभी तक कनेक्शन पता नहीं चला कि अरुंधति ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड, आगे का सीन हम जरूर लेकर आएंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। तो कैसा लगा आपको ये सीन, कैसा लगा ये रिएक्शन, कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।